अस्सलाम वालेकुम। खोज टीवी के मुअस्सिस दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ओवरसीज कैसे पाकिस्तान में डॉलर लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं। बहुत सारे ममालिक में, जैसे अरब कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, अगर पाकिस्तान एम्बेसी उनको ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का इशू करे, तो अगर पर ड्राइविंग लाइसेंस $50 से लेकर $100 रखे, तो आप खुद सोचें कि अगर पाकिस्तानी जो कि 1 करोड़ के करीब हैं, तो कितना ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ सकता है। करना क्या है, सिर्फ एक कार्ड देना है। जैसे कि एम्बेसी में नादरा का शनाख्ती कार्ड इशू होता है, वैसे ही एक सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस जिन लोगों के पास सऊदीया के, दुबई के, बहरीन के, अमारात के, किसी भी कंट्रीज़ के, खलीजी ममालिक के, यूरोपियन के ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उनको बग़ैर किसी ट्राई के, टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाए। उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, और दूसरा वो कर्ज़ा उतारने में पाकिस्तान के मददगार साबित होंगे। दूसरे नंबर पर जो तरीका है कि बहुत छोटे घर, जैसे 2 कमरों का बेडरूम हो, ऐसे फ्लैट बनाए जाएं जो सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो लेबर हैं। 1 करोड़ में से अगर पाकिस्तानी 1 करोड़ ओवरसीज़ हैं, तो उसमें से तकरीबन 60 लाख से 50 से 60 लाख लोग जो हैं वो खलीजी ममालिक में मजदूरी कर रहे हैं, लेबर हैं। वो लोग जो अपने घर नहीं बना सकते या जिनके किराए पे घर हैं, उनकी आमदन का बड़ा ज़रिया, जो आमदनी का घरों का बजट है, बहुत ज़्यादा बजट वो किरायों में जाता है। अगर वही गवर्नमेंट चाहे तो 20 लाख रुपए का एक घर बना के दे उन्हें, जिसमें 2 लाख रुपए सिर्फ एडवांस दें और उसके बाद 50,000 रुपया महाना रख दें, तो इस मद में भी बहुत सारे लोग अपना मकान खरीद सकते हैं। पिछले दिनों में रोशन डिजिटल में ये स्कीम भी शुरू हुई है, अपना घर स्कीम शुरू हुई है, लेकिन बहुत मुश्किल है, उसमें भी बहुत सारी हर्डल्स हैं। अगर सिंपल तरीके से सिर्फ अकाउंट हो, 2 लाख रुपया एडवांस जमा करवाए वो अपना, और 50,000 रुपये अपनी किस्त वो महीना रखे, तो 15 से 20 लाख रुपये में छोटे फ्लैट आराम से वो परचेज कर सकते हैं। ये था दूसरा सलूशन। और बहुत सारी ज़मीन पाकिस्तान में ऐसी पड़ी है जो कि आबाद नहीं है, शहरों के साथ, बड़े शहरों के साथ छोटी सी जगह पर बनाए जा सकते हैं ऐसे छोटे शहर ओवरसीज़ के लिए। उसमें होगा क्या कि पहले नंबर पे जो बंदा बाहर है, जो अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर या अपने पासपोर्ट के ऊपर जो उसका वीज़ा है, जो उसके खलीजी ममालिक के या यूरोपियन ममालिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कापी लगाएँ और उनके नाम पर अलाटमेंट लेटर जो है वो जारी कर दिया जाए, और उसके बाद वो अपनी फैमिली के किसी भी नेक्स्ट ऑफ किन को आगे अपनी फैमिली में उसको दर्ज करवा सकता है कि मेरे पास ये बंदा घर की इंस्टॉलमेंट भी देगा, और मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो इसका जिम्मेदार है। ये दूसरा तरीका है जिसकी मद में बहुत सारा ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ सकता है। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पर मैं लाहौर शहर में रहता हूँ, जैसे गलियों के नंबर लगे हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अगर इन्हीं गलियों को, उस गली में रहने वाला कोई भी साहिब हैसियत बंदा ख़रीदना चाहता है अपने नाम के, गली उसके नाम पे हो, उससे 2 लाख या 3 लाख रुपए दे के उस बंदे के नाम पर वो गली अलाट कर दी जाए, वो पैसा मुल्क का कर्ज़ा उतारने में और ज़र मुबादला में बहुत मदद कर सकता है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी वो गली उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी बस। तो इस मद में सोचें, अगर एक बंदा 3 लाख रुपए का आईफोन परचेज कर सकता है पाकिस्तान में, 2.5 लाख का या 2 लाख रुपए का एक अच्छा फ़ोन वो रख सकता है, तो 2 लाख रुपया वो क्यों नहीं दे सकता। तो आप खुद सोचें, लाखों गलियां सिर्फ लाहौर में हैं, कितना सरमाया गवर्नमेंट के ख़जाने में आ सकता है। लेकिन बात वही कि हमारी हुकूमत तो खुद बेकारी है। हाँ, अगर इमरान खान जैसा लीडर होता तो अवाम भी इतबार उस पर करती। ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ये इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि ओवरसीज जितना भी है वो सब इमरान खान के ऊपर इतमाद करता है, इसी इतमाद के पेश नज़र वो पैसा भेजते हैं। अब ये 1 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर के लिए दुनिया में जाके भीख मांग रहे हैं, अपने मुल्क की तजलील कर रहे हैं, अपने अवाम की तजलील कर रहे हैं, पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट की तजलील कर रहे हैं। जिस मुल्क भी जाते हैं वो कहते हैं कर्जा मांगने आगे आगे हैं बेकारी।
तो क्या हम खुद अपने मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते? बिल्कुल उतार सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ईमानदार लीडर का होना ज़रूरी है, जैसा कि इमरान खान था जिसको उतार दिया गया। अगर इमरान खान दोबारा आता है तो ये मेरी वीडियो इमरान खान साहब के लिए है कि सर कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए, जो ये मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, छोटे फ्लैट हो गए, और उसके बाद ये गलियों का जो मैंने बताया है, गलियों के नंबर या नेम बदलने में पाकिस्तान का क्या खसारा है? उसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ख़जाने में पैसा आएगा, जो कि कर्जा उतारने में, इंडस्ट्री चलाने में, बिजली का जो हमारी शॉर्टफॉल है वो दूर करने में काम आ सकता है, हमारी एनर्जी सेक्टर में काम आ सकता है, हमारे डैम्स बनाने में पैसा वो काम आ सकता है। आज अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती, अगर वो ये ऐलान करें कि हमने ये गलियाँ उन लोगों के नाम पर लगानी है जो इंटरेस्टेड हैं, वो आ जाएं, मैं दावे से कहता हूं कि हर गली में 10-10 बंदे निकलेंगे कि ये गली मैं अपने बाप के नाम पर रजिस्टर करवाना चाहता हूं, ये गली मैं अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाहता हूं, हत्ता के गलियां, मोहल्ले, चौक तक भी ये लोग परचेज करेंगे, सिर्फ एक नेम प्लेट लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अक्रम स्ट्रीट, मोहम्मद असलम स्ट्रीट, इमरान स्ट्रीट, अरशद स्ट्रीट, जाम शौकत स्ट्रीट, इस तरह के बहुत सारे ये चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन अफसोस कि हमारी कौम और हमारा हुक्मरान ये सिर्फ मांगने पे लगे हुए हैं। हम जैसे लोगों की समझ में ये बात आ सकती है जो अनपढ़ हैं, तो क्या इनके दिमाग में चीज़ें नहीं आ सकती? लेकिन ये मेरी एक तजवीज़ है, अगर इस पर गौर किया जाए और एक टीम बनाई जाए जो इसके ऊपर वर्क करे, और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि समझ में नहीं आने वाली, बहुत आसानी से इस तरीके से पाकिस्तान में पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, और अरबों डॉलर आप इकट्ठा कर लेंगे चंद सालों में, 2 साल से 3 साल के अंदर अरबों डॉलर आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे पार्क्स हैं, बड़े पार्क हैं जिस एरिए में, वो जो उसकी उसके अलगा रहे हैं 10 लाख से 15 लाख सिर्फ नाम देने के लिए, सिर्फ आपने नाम देना, वो जगह उसके नाम पर नहीं हो जाएगी, तो आप खुद सोचें कितना सरमाया आएगा। क्या ये मुमकिन नहीं है? जब आप दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांगते हैं, पूरे मुल्क को जलील करते हैं, अवाम को जलील करते हैं, अवाम हमारी धक्के खा रही है, परदेशों में धक्के खा रही है, तो क्या आप ये काम भी नहीं कर सकते? अगर आप ये काम करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको 1 रुपया भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी काबिल पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हमारे आला अहकाम तक वीडियो जाए, वो इसको देखें और इसके बारे में कुछ सोचें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर कोच टीवी।